दोस्तों अगर आप मेरे पास कॉल करते हो और पूछते हो कि भैया कौन सी किट अच्छी है, तो मैं कहूंगा कि दोनों किट अच्छी है। क्यों? क्योंकि मुझे तो सेल करना है ना किट, मुझे पैसे कमाने हैं। पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपका छोटा भाई टेक्निकल अलग से आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको कौन सी किट लेनी है और क्यों लेनी है, क्या गियर मोटर किट में क्या खासियत है और क्या हम मोटर किट में खासियत है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे कि कौन सी किट आपको खरीदनी है, क्यों खरीदनी है और उसमें दिखाएंगे कि आपको क्या क्या मिलता है और क्या किट की, कौन सी किट की कितनी स्पीड है। तो सारी जानकारी देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए मेंबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जो सारी जानकारी आपको मिलेगी वो सारी मेरा एक्सपीरियंस में मिलेगी क्योंकि मैंने दोनों किट को यूज किया है 6-6 महीने तक। तो सारी जानकारी आपको दूंगा, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलते दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों किट दिखाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये रही दोस्तों हमारी किटें, तो ये देखिए दोस्तों ये किट अभी दिखाई नहीं दे रही, अभी दिखाई दे जाएगी, थोड़ा कैमरा एडजस्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारी दो किट है जो कि एक हम मोटर किट है जो कि 36 वोल्ट और 300-350 वाट में है, दूसरी 24 वोल्ट 350 वाट में है। सबसे पहले हम इनकी पैकिंग की बात कर लेते हैं। जो हम मोटर किट है वो थर्मोकोल पैकिंग के साथ आती है, आप देख सकते हैं थर्मोकोल में अच्छी तरीके से पैकिंग के साथ आती है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी पैकिंग के साथ। और दूसरी तरफ जो हमारी गियर मोटर किट है वो नॉर्मली पैकिंग के साथ आती है, मतलब ये भी अच्छी पैकिंग के साथ आती है लगभग। तो इन किट का सामान मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बारी बारी में कि कौन सी किट में क्या क्या सामान मिलता है, क्या किसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इस प्राइस भी आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, यार आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइस फाइनली हमने यहाँ पे दोनों किटें निकाल लिया। अब दोस्तों बात करेंगे इनके कंपैरिजन की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों ब्रेक लीवर की। तो दोस्तों इसके ब्रेक लीवर मेटल बॉडी में आते हैं जो कि हम मोटर किट है, और दूसरी किट के ब्रेक लीवर भी मेटल बॉडी में आते हैं जो कि एक हम मोटर किट है, वो गियर मोटर किट है। तो दोनों के ब्रेक लीवर आप देख सकते हैं बिल्कुल लगभग सेम ही है, बस कनेक्टर का फर्क है, ये एस कनेक्टर है ये एक्स कनेक्टर है, जो कि वेरी भी करते हैं। तो उसके बाद करते हैं बात कंट्रोलर की। तो हम मोटर किट में आपको 36 वोल्ट 350 वाट का कंट्रोलर देखने को मिलेगा जो कि एक बीएलडीसी मोटर के लिए है, और 24 वोल्ट 250 वाट में आपको एक ऐसा कंट्रोलर देखने को मिलेगा जो कि एक परमानेंट डीसी मोटर के लिए, पीएमडीसी ये बीएलडीसी है दोस्तों दी, ठीक है दोस्तों। और जो दोस्तों इसमें मोटर का फर्क है वो सबसे बड़ा फर्क है, तो वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा क्योंकि आपको ध्यान सुनना है। तो पहले सबसे पहले कंट्रोलर के बारे में बात कर ली हमने, फिर आते हैं दोस्तों टोटल के बारे में। टोटल आपको इसमें डिस्प्ले वाला मिलता है और इसमें आपको नॉन डिस्प्ले मीटर टोटल मिलता है, साथ में आपको इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर और ऑन ऑफ की मिल जाती है। इसमें आपको खाली हॉर्न का स्विच मिलता है, टोटल मिलता है। तो यहाँ पे जो टोटल है वो काफी ज्यादा अच्छा आपको हम मोटर किट में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। हम मोटर इसका टोटल का अच्छा है, और ये टोटल रखे लगते हैं साइड में। फिर दोस्तों बात करेंगे हम स्क्रू की। तो स्क्रू आपको ये इसके मिल जाते हैं जो कि मोटर को माउंट करने के रहते हैं, गियर मोटर के, ये हम मोटर के हैं जो कि हम मोटर को माउंट करने रहते हैं। साइड साथ में इसमें मोटर की ये कैप मिल जाती है जो कि यहाँ पे लगती है, जिससे कि मोटर काफी ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। अब दोस्तों बात करेंगे लाइटिंग की। तो ये दोस्तों ये इसकी लाइट है जो कि एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, जिसमें कि एक ही बल्ब है, और ये हमारी जो लाइट है ये काफी ज्यादा अच्छी लाइट है क्योंकि इसमें 3 LED बल्ब है, हालांकि ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ये नॉर्मल है, और यहाँ पे इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर है, और जो कि हम मोटर किट में इसमें टोटल में ही मिल जाता है। ये इसका ऑन ऑफ की है जो कि हम मोटर किट में एक अलग से आपको मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा देखने में प्रीमियम लगता है। तो ये दोस्तों हमारी बात हो गई, ये पीछे इसके हॉर्न मिल जाता है, और यहाँ पे आपको लाइट को एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो, और साथ में यहाँ पे भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों ये हमें इसमें हम मोटर किट में पैडल असिस्ट मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, ये रेंज को बढ़ा देता है। हालांकि हम इस वाली किट में भी पैडल असिस्ट लगा सकते हैं, जो पर वो इतना किफायती नहीं होता जितना हम मोटर किट में होता है। ये आपको इसमें अलग से ऑन ऑफ की मिल जाती है जो कि इसमें नहीं मिलती, ठीक है दोस्तों। ये अब इसका ये आ गया। अब दोस्तों बात करेंगे मेन मोटर की। दोस्तों जो ये हमारी हम मोटर है ये 350 वाट की है, 36 वोल्ट की है, ये हमारी 24 वोल्ट की है, ये 250 वाट की है। ये हमारी एक बीएलडीसी मोटर है, ये हमारी पीएमडीसी मोटर है। बीएलडीसी का मतलब होता है कि इसमें आपका जो वे होता है मैग्नेट पे साइड में रहते हैं, और इसमें भी साइड में रहते हैं, इसका हब घूमता है, इसका ये शाफ्ट घूमती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा
मतलब आर्मेचर होता है वो शाफ्ट को वैसे घुमा देता है बिना कार्बन ब्रश के, और इसमें ब्रशेस लगे होते हैं जिससे कि वे ब्रशेस कुछ समय के बाद घिस जाते हैं और आर्मेचर को भी घिसा देते हैं, जिससे कि जो मोटर है उसकी लाइफ कम होती है। ये मोटर जब चलता है तो ये रोटेट होता है जिससे कि ये घूमता रहता है और ये कूल रहता है, और हालांकि ये मोटर एक जगह रुका रहता है तो ये गर्म हो जाता है। वो तो बेसिकली वैसे काफी मतलब मशीनरी गर्म ही होती है, पर अगर चीज गर्म होती है तो उसका साइड इफेक्ट भी है। हालांकि ये मोटर बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, आप इसे लंबे समय तक भी चलाओगे तो ये गर्म नहीं होता। ये मोटर रिम के बीच में लग जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, और ये मोटर वाटरप्रूफ भी होता है जो कि आपको बारिश वगैरह में चलाने से दिक्कत नहीं आती। हालांकि ये मोटर भी आप पानी में चला लो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगा, पर ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है। यहाँ पर इस पे ये बाल्टी प्लेट लगती है, फिर ये चैन लगती है, तो इसमें झंझटबाजी है। पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जितनी पावर इसमें है वो इसमें नहीं है। इसकी पावर ये 250 वाट में हालांकि है, पर ये मोटर में कम पावर होती है, इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें ये आगे जो गियर बॉक्स लगाया ना, ये इसकी जान बढ़ा देता है काफी ज्यादा। स्पीड की बात करेंगे तो दोस्तों स्पीड आपको इसमें 25 की मिल जाएगी, इसमें आपको 35 किलोमीटर पर हार की स्पीड आराम से मिल जाती है। और दोस्तों बात करेंगे अब आपको कौन सी लेनी है और क्यों लेनी है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, हालांकि दोनों मोटर बढ़िया है पर ये वाली ज्यादा बढ़िया है। हब मोटर को मैं 100 में से अगर नंबर दूंगा तो 110 दूंगा, और इसे दूंगा तो 100 में से 80 दूंगा। अब आप इस चीज से समझ लीजिएगा कौन सी बढ़िया है। हालांकि अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप गियर मोटर के साथ जा सकते हो, इसका काफी अच्छी बात है। और एक चीज ये है कि इसमें आप मोटर को डायरेक्ट चेक कर सकते हो यहाँ से वायर लगाया, पर इसमें आपको कंट्रोल वगैरह सारी चीजें लगानी पड़ेगी जब ये मोटर चेक होती है। इसमें सेंसर रहते हैं, इसमें सेंसर नहीं रहते, सेंसर खराब होने पर आपको रिपेयर करवानी पड़ती है। ये मोटर आसानी से रिपेयर हो जाती है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकता है, मतलब रिपेयर तो हो जाती है पर हर कोई इसे रिपेयर नहीं कर पाता, इस मोटर को हर कोई रिपेयर तक कर देता है, ये इसमें काफी ज्यादा अच्छी बात है। और अगर लाइफ की बात करें, लाइफ किसकी ज्यादा है, तो हमारी हम मोटर की लाइफ ज्यादा अच्छी है। ठीक है दोस्तों, अब मेरा जो कंक्लूजन है, आप हम मोटर लीजिएगा, काफी ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपके पास पैसे कमी है तो आप जब गियर मोटर के साथ जा सकते हो, वो बढ़िया बात है। बाकी दोनों किट अच्छी है, अच्छी चलती है, मैंने खुद चलाई है। थोड़ा इसमें चैन का सेटिंग करने का प्रॉब्लम आता है, पर हालांकि हो जाती है। तो ये दोस्तों मेरा कंक्लूजन था, तो आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगर खरीदना तो आपको मिल जाएगी 6397090270, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं।